जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और नई अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। कई सारी वैकेंसियाँ हैं जिसकी अपडेट्स चैनल पर मौजूद हैं। हाँ, लखनऊ का, मारुति सुजुकी का, सुजुकी मोटर का, नीचे जाएगा तो SPMCIL जो कि मुंबई का है, और भी कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट रिजल्ट चैनल पर मौजूद है, बजा करके चेकआउट कर लीजिएगा। अभी रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा है, जिसमें CSCCR नागपुर का फॉर्म भरा रहा है, और साथ ही साथ ICF चेन्नई का, तो उसको देख लीजिएगा, और SCCR रायपुर का, तीन रेलवे अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरा रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं DRDO के अप्रेंटिसशिप के बारे में दोस्तों। ये अभी भी दो अप्रेंटिसशिप निकल के कुछ दिन पहले आई थी, अभी भी एक और अप्रेंटिसशिप निकल के आई है, जिसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर ITI वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह अप्रेंटिसशिप आप देख पाए DRDO की तरफ से निकल के आया है, और ये DRDO नोवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विज्ञान नगर विशाखापट्टनम की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, DRDO के विशाखापट्टनम की तरफ से निकल है, जिसको हम NSTL भी बोलते हैं। NSTL जो है NSTL विशाखापट्टनम में, वहाँ से निकल के आया है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है 15 दिन, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे निकलेगा, जो रोजगार समाचार होता है उसमें जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके 15 दिनों के बाद, जो आने वाला शनिवार है उसको अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर निकलेगा, जिसमें ये जो है अप्रेंटिसशिप की चर्चा की जाएगी उसमें, तो उसके 15 दिन के बाद यह फॉर्म क्लोज होगा। अभी भी फॉर्म भराता रहेगा, आज ही शुरू हुआ है, मतलब आज ही नोटिफिकेशन आया है, और जो शनिवार होगा शनिवार से 15 दिन और कैलकुलेट करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वैसे उसमें एक फिक्स डेट दिया रहेगा, हम उसका डेट आप जो है अनिल सर ITI वेबसाइट पर दे देंगे, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, ये जो अप्रेंटिसशिप है ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक साल का अप्रेंटिसशिप है दर 23 से 24 के सेशन के लिए। जो भी कैंडिडेट दर 21, 22 और 23 से पास आउट हुए हैं वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देखिए, जो ग्रेजुएट है BE BTech यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट, उनका यहाँ पर मैकेनिकल, नवल आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टोटल 28 सीटों पे इन लोगों के लिए ये डिसिप्लिन है, उसी से 28 सीट पे अप्रेंटिसशिप है, जिसमें 9000 आपको स्टाइफंड देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन है डिप्लोमा वालों के लिए, टेक्नीशियन में ये सब ब्रांच है, जिस अगर इन सभी ब्रांच में किसी एक ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 23 पोस्ट है, 8000 स्टाइफंड आपको देखने को मिलने वाला है। ITI का जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, जिनमें CNC ऑपरेटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट जैसे ट्रेड हैं, इनमें से किसी एक से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 11 पोस्ट हैं, टोटल 62 सीटों पे अप्रेंटिसशिप निकली है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1992 के तहत ये अप्रेंटिसशिप निकला है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो आपको बता दिए, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस निकलेगा उसके 15 दिनों के बाद फॉर्म अप्लाई होगा, उसके 15 दिनों तक। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी डिप्लोमा BE BTech है उनको अप्रेंटिसशिप का जो वेबसाइट है नाट्स पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो ITI कैंडिडेट है उनको apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ITI जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ग्रेजुएट का 21, 22, 23 पास आउट होना चाहिए, उसके पहले 2020 में पास आउट हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 18 साल से आपका उम्र कम नहीं होना चाहिए और एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 12 महीनों की ट्रेनिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। 12 महीने कंप्लीट होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। किसी भी तरह का TA DA की व्यवस्था नहीं है। आने जाने खर्च, आपको रहने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही सब व्यय करना होगा। इंटरव्यू के दौरान किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देगी, और ठीक है, ट्रेनिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सिलेक्शन जो हो सकता है आपका
मेरिट रिटेन या इंटरव्यू के आधार पर हो, आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर ही होगा। रिटेन और इंटरव्यू दे दिया जाता है कि तक यहाँ अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ पे रिटेन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपके ITI और मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाया जाता है, जिसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, सॉरी ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं, फॉर्म ऑफलाइन अटैच करके डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, एलिजिबल है, तो आपको जो एक फॉर्म है नेक्जर ए, उस फॉर्म को भर करके पोस्ट के माध्यम से या सॉरी ईमेल के माध्यम से आपको भेजना है। ठीक है, ये ईमेल आईडी है admin.dmpt.nstl@gmail.in पे आपको यहाँ पे मेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इस डेट आपको डॉक एनेक्सर ए आप देखिएगा, तो ये है एनेक्सर ए जिस जो कि आपको फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है, ठीक है, आपको ईमेल कर देना है। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। ठीक है, इसमें देखिए ऑल एप्लीकेंट को है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये तो प्रिंट आउट करके फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो अभी सिर्फ फॉर्म ही भेजना है आपको, यहाँ पर किसी तरह डॉक्यूमेंट नहीं कहा गया है, सिर्फ आपको एनेक्सर भेजा गया है। यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट को है जो जो ईमेल आईडी है इस पर आपको स्कैन करके एप्लीकेशन को भेज देना है। आपको कहा है फिलअप कर रही है करेक्ट डिटेल, जो एप्लीकेशन है एनेक्सर है उसमें सही सी डिटेल आपको अपलोड करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपलोडिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, और सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसके साथ अटैच करके एक PDF बना दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ भी लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, लास्ट डेट के पहले आपको इसको भेज देना है, जैसे आपको पता चला वीडियो देखे उसी समय आप भेज दीजिए सारा डॉक्यूमेंट को, क्या फॉर्म को पहले प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट करके इसको इसको फिलअप करके और उसको सारा डॉक्यूमेंट जो है हम बता रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पे इस और BTech जो है उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD है तो PWD सर्टिफिकेट, और SC ST OBC उन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी DL में से किसी एक को आपको ले लेना है, आधार कार्ड बैंक का पासबुक, EWS है तो EWS लगा दीजिएगा, और आपको मेडिकल लेकर जाना, मेडिकल यहाँ पे देना होगा, मेडिकल इसको ये काम करिएगा हॉस्पिटल जा करके अपना चेकअप करा करके मेडिकल बनवा लीजिएगा सरकारी हॉस्पिटल से, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसके साथ अटैच करके आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे मेल कर देना। ठीक है, और तो मेल कर दीजिए, इसमें और भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, इसे जो डॉक्यूमेंट हमने बताया है उसको अटैच कर दीजिए। ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो है ये नहीं भेजना है। ठीक है, ये तो मतलब फ़ोटो एक चिपका दीजिएगा और उसी को भेज दीजिएगा, इस पर चिपक जाए वही जो चला जाएगा। ठीक है, मिलता है अगली जानकारी साथ, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको मौका मिल रहा है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, एलिजिबल है तो। ठीक है, और भी कई सारी अप्रेंटिसशिप है, रेलवे की अप्रेंटिसशिप और भी अपडेट है वो चेकआउट कर लीजिए। अनिल सर ITI के प्ले स्टोर पर ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं तो उसको जा करके ज्वाइन करिए, जो भी आपके लिए है उसको जा करके ज्वाइन करके उसकी तैयारी करिए। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो अगली जन के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।